आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज हम बनाएंगे एडिनियम प्लांट का बोनसाई। देखिएगा, ये मेरा एडिनियम प्लांट है जिसके मैंने अभी तक कटिंग नहीं करी है, तो आज मैं इसका बोनसाई बनाऊंगी। तो आपको इसकी कटिंग का मेथड भी बताऊंगी, इसको कैसे किस तरीके से इसको ग्रो करना है, और इसका बोनसाई बनाना भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा, ये एडिनियम जो है मेरे पास अप्रॉक्स फाइव सिक्स ईयर पुराना है एडिनियम। देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी तरीके से जो है थिक हो गई हैं, बहुत अच्छी डेवलप हो गई हैं। तो आज अपन इसका बोनसाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कि ये जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स हैं, इसको मैंने पॉट में से निकाल लिया है, और इसकी जो ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं, इन रूट्स को सबसे पहले हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन रूट्स की, छोटी छोटी रूट्स की कटिंग करेंगे। देखिए कुछ जैसे ये छोटी छोटी रूट्स हैं, इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया। आप ब्लेड से कट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पास अभी ब्लेड नहीं है, तो मैं इससे कटर से इसको बीच बीच में से इसको हम यहाँ से रूट को साफ़ कर देते हैं। देखिए कुछ रूट्स की कटिंग तो हमने कर दी है, और ये जितनी जितनी छोटी छोटी रूट्स दिख रही हैं, इनको आराम से धीरे धीरे इस तरीके से कट करके हम निकालते जाते हैं। हम इसमें छोटी छोटी रूट्स देखिए कट करते जा रहे हैं, और जो ऐसी थिक वाली रूट्स हैं उनको आप रहने दीजिए। ये इतने ईयर्स की मेहनत के बाद ही इसकी जो रूट्स हैं वो इतनी थिक होती हैं। तो ये छोटी रूट्स देखिए हम कट कर देते हैं इसको इस तरीके से। जितनी देखिए मैंने छोटी छोटी रूट्स हैं, बहुत सारी तो मैंने कट कर दी हैं, और हम इसको कट करते जाते हैं। ये थिक वाली रूट देखिए कितना अच्छा शेप इसका। देखिए अभी मैंने इतनी रूट कट करी हैं और इसका कितना अच्छा शेप आ गया है अभी फ़िलहाल। अभी हम इसमें और रूट की कटिंग कर देते हैं इसको, फिर आप देखिएगा इसका शेप कितना अच्छा आएगा। देखिए मैंने इसकी इतनी रूट्स की कटिंग कर दी है, और अपन इसकी रूट की कटिंग जो है थोड़ा सा और कर देते हैं इस तरीके से। इसकी रूट्स की कटिंग करते जाएं धीरे धीरे, और इतना रूट्स में थिकनेस रहे कि हम इसको शेप भी दे सकें अच्छा। देखिए इसका ये शेप जो है बॉटम में, ये शेप इसका आ गया है कटिंग के बाद। और अभी कुछ और रूट्स हैं, देखिए थोड़ी सी बड़ी रूट है, इसको भी मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। ये यहाँ से कट कर देते हैं इसको, और ये थोड़ी सी छोटी छोटी रूट्स और बच गई हैं, कुछ यहाँ से कट कर देते हैं। एप्रॉक्स रूट की कटिंग जो है वो हो चुकी है, इसको हम इतना रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसका जो ये स्टेम आ रहा है, देखिए ये दो ही ब्रांचेज हैं, तो इसको हम थोड़ा सा घना बनाने के लिए इसको यहाँ से, इसको स्टेम को यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो देखिएगा उसके लिए मैं नाइफ लेकर आई हूँ कट करने के लिए। यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं जिससे कि ये और ज़्यादा घना हो जाए। तो मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ इसकी। देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ से तो कर दी है, और अब इसकी कटिंग हम ये वाली ब्रांच और कट कर देते हैं। देखिएगा इस तरीके से, ब्लेड है तो ब्लेड से कट कर दीजिए, मैं नाइफ से कट कर रही हूँ जिससे आपको इजी हो। ये हमने एडिनियम को यहाँ से कट कर दिया है। अब पहले हम इसको जो है पॉट में लगा देते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से, जैसे फंगस नहीं लगे इसमें और ये ख़राब नहीं हो, नहीं तो इसकी जो रूट्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी और प्लांट भी गल जाएगा, तो इनको यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके आसपास से जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो यहाँ से, नई जो हैं ब्रांचेस फूट जाएंगी यहाँ से। तो अब हम इसको जो है पॉट में लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा,
मैंने ऑलरेडी जो है वो इसके लिए सैंड प्रिपेयर करके रखी है। इसमें जो है वो मैंने सैंड ले रखा है और परलाइट है, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सैंड की जो ग्रेवल होती है वो है यहाँ पर। तो ये सब बोनसाई के लिए जो है वो अब हमने पॉटिंग मिक्स बना के तैयार रखा है। अब इस पॉटिंग मिक्स में हम इस बोनसाई प्लांट को लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने थोड़ी ये पॉटिंग मिक्स मिला देते हैं और इसको इस तरीके से लगा देते हैं कि ये रूटिंग पार्ट जो है ना इसका अच्छा शेप आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे। तो इसको अब इस तरीके से लगाएंगे जिससे इसका जो रूट्स का शेप है वो भी बहुत अच्छा आए। 3 का इसमें हमने इतना हमने इसमें पॉटिंग मिक्स मिक्स कर दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक स्टोन रख देती हूँ, इससे क्या होगा इसकी रूट्स थोड़ी सी शेप में आ जाएंगी। तो उनको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से फैला देते हैं, शेप मिल जाएगा तो ये दिखने में और सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरीके से एडिनियम का बोनसाई जो है वो आप बना सकते हैं। अभी हम इसकी रूट्स को थोड़ा और बाहर निकाल देंगे, पहले थोड़ा पॉटिंग मिक्स इसमें मिला देते हैं। ये देखिए ये हमने इसमें पॉटिंग मिक्स मिला दिया है। थोड़ा मैं इसको इसकी जो रूट्स हैं थिक वाली इनको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये वाली रूट भी इसको थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा जिससे शेप आए। ये देखिए और इसमें पॉटिंग मिक्स मिला देते हैं। इस तरीके से देखिए अब इसका शेप कितना अच्छा आ रहा है फिलहाल तो। इसकी रूट्स को हम ऐसे फैला देते हैं, जितनी भी इसकी थिक रूट्स थी। बैक साइड से देखिए यहाँ से भी इसकी इस वाली रूट्स को हम थोड़ा सा रूट को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये रूट भी बाहर आ गई। इसके नीचे मैं थोड़ा सा ये एक पत्थर रख देती हूँ, इससे क्या होगा रूट्स थोड़ी ये देखिए ऊपर आ गई, थोड़ा शेप मिल गया इसको इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉटिंग मिक्स लगा देते हैं। ये देखिए ये आगे से देखिए इस तरीके का शेप आ रहा है। थोड़ा पॉटिंग मिक्स यहाँ भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब इनके जो ऊपर का ये पोर्शन है इसको हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो आप किसी भी चीज़ से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। फेविकॉल लगा सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा, या फिर कई लोग इसमें जैसे ये सिनेमन लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सिनेमन लगा दिया है, इससे क्या होगा कि ये जो है यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ से ये ख़राब नहीं होगा प्लांट, नहीं तो ये गल जाएगा और इसमें नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, इसलिए इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो इसमें अब 5 to 30-40 डेज़ में इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी इसमें नया चेंज आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो भी इसमें 30-40 डेज़ में जो भी नई रूटिंग दिखेगी या कोई नई ब्रांचेस मुझे 40 डेज़ बाद दिखेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें जो है वो क्या क्या चेंज आए हैं। अब आप इसके बाद चाहें तो थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन के लिए कुछ लगा सकते हैं, जैसे
ये एक मैंने इस तरीके से, वैसे इसकी रूट्स इतनी प्यारी लग रही हैं कि इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए मैंने एक ये ठीक है इसमें डेकोरेट करने के लिए चाहें तो कुछ स्टोन आप रख दें, जैसे मैंने इसको मार्बल पीस को यहाँ रख दिया है, ऐसे रखती हूँ कि ये रूटिंग सिस्टम भी इसमें दिखता रहे। यहाँ पे एक छोटा रख देते हैं स्टोन इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा, ब्रांचेज आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा प्रिपेयर है एडिनियम का बोनसाई प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप में से कोई भी मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहता है तो 29 रुपीज़ में मेंबरशिप है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।